प्रवीण जगज्जय धर्मव्रति कर्मपथि रश्मि रथि महारथि ओ महारथि कर्ण दिव्य तेजवंत है परम शक्तिमान है दिव्य तेजवंत है परम शक्तिमान है महारथि कर्ण तो महानों से महान है महारथि कर्ण तो महानों से महान है दिशाओं में गूंजता उसी का यशोगान है दिशाओं में गूंजता उसी का यशोगान है महारथि कर्ण तो महानों से महान है महारथि कर्ण तो महानों से महान है महारथि सारथी अधिरथ अपने पुत्र कर्ण का परिचय द्रोणाचार्य से करवाते हैं और उनसे कर्ण को अपना शिष्य बनाने की प्रार्थना करते हैं। द्रोणाचार्य सारथी के पुत्र होने के कारण कर्ण को अपना शिष्य बनाना अस्वीकार कर देते हैं। इस पर दुर्योधन क्रोधित हो उठता है और पांडवों से वाद विवाद कर बैठता है। उधर अर्जुन और गुरु द्रोण दोनों ही कर्ण के पराक्रम को देख चिंतित हो उठते हैं। कर्ण अपने सूत पुत्र होने का दुख प्रकट करता है। अधिरथ उसे सांत्वना देते हैं। अब आगे किंतु चरण का निर्णय तो ईश्वर ही करता है। उनके खेल विभाजन को हम कैसे मिटा सकते हैं? यह ऊंच नीच कुल और गोत्र का विभाजन ईश्वर की देन नहीं है बाबा। यह विभाजन मात्र कुछ लोगों ने अपनी प्रभुता सिद्ध करने के लिए किए। हम ईश्वर को दोष क्यों दें? तुम्हारा क्रोध देखकर मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है पुत्र। आज तक किसी सारथी पुत्र ने राजकुमारों के समान बनना या होने का स्वप्न भी नहीं देखा था। तुम्हारी इस आकांक्षा से मुझे हस्तिनापुर में उत्तम पुत्र का भय लग रहा है। तो मैं क्या करूं बाबू? हस्तिनापुर राजकुल के उथल पुथल की आशंका से अपनी आकांक्षाओं का दमन कर दूं और जीवन भर अपमान और भेदभाव का विस्मरण करता रहूं? नहीं पुत्र, तुम अपना कार्य करते रहो किंतु किसी के प्रति भी हिंसा की भावना का त्याग कर दो, क्योंकि हिंसा की भावना से मन का धैर्य समाप्त हो जाता है। आप उचित कह रहे हैं बाबू, किंतु जिस प्रकार से मुझे अपमानित किया गया उसे मैं कैसे भूल सकता हूं? हचारे दून तो मात्र परंपरा का पालन कर रहे हैं पुत्र। नहीं बाबू, आचार्य द्रोण मात्र अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उनकी बाध्यता को अच्छी तरह से समझता हूं। मैं जानता हूं कि हर गुरु का एक ही प्रिय शिष्य होता है जो उसकी कीर्ति को अमर करता है, और उनका प्रिय शिष्य है अर्जुन। इसलिए मैं आचार्य द्रोण को क्षमा करता हूं, किंतु आपको तो प्रसन्न होना चाहिए बाबू कि राजकुमार दुर्योधन मेरा पक्ष ले रहे। राजकुमार दुर्योधन का तुम्हारा पक्ष लेने के पीछे उनका पांडवों से वैर भाव है पुत्र। कुछ भी हो बाबू, किंतु राजकुमार दुर्योधन का मेरा पक्ष लेने के लिए मैं उनका आभारी हूं। उन्होंने मुझे उस समय बल दिया जब आचार्य द्रोण ने सबके समक्ष मुझे अपना शिष्य बनाने से मना कर दिया। पुत्र, कहीं ऐसा ना हो कि राजकुमार दुर्योधन तुम्हें आगे करके अपना हित सिद्ध करने का प्रयास करे। यदि ऐसा हुआ भी बाबू तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। यदि आचार्य द्रोण अपने किसी एक शिष्य का पक्ष लेंगे और दूसरे के साथ भेदभाव का व्यवहार करेंगे तो किसी भी व्यक्ति को उनके विरुद्ध खड़े होने का अधिकार है। फिर वो चाहे मैं हूं, चाहे राजकुमार दुर्योधन हो, अथवा धर्मराज युधिष्ठिर ही क्यों ना हो। पिताश्री, मैं आचार्य द्रोण की मनमानी कदापि सहन नहीं कर सकता। पांडवों के पक्षपात के लिए उन्होंने कर्ण जैसे योग्य धनुर्धर का तिरस्कार किया, उसका अपमान किया, उसकी उपेक्षा की। कर्ण, कर्ण की उपेक्षा? क्या अधिरथ पुत्र कर्ण? माता, आप कर्ण को जानती हैं? हाँ पुत्र, वो तुम्हारे जन्म के पूर्व ही अधिरथ के साथ आया था। हाँ पुत्र, अधिरथ के उस चमत्कारी पुत्र को हम कैसे भूल सकते हैं? फिर तो पिताश्री, आपको कर्ण की इच्छा पूर्ण करनी होगी। ये तो ठीक है पुत्र,
परंतु पांडव पुत्रों ने ऐसा क्या कह दिया जो हमारे युवराज को अनुचित प्रतीत हुआ? पांडव कर्ण की अद्भुत धनुर्विद्या से भयभीत हो गए। भयभीत? मैं नहीं चाहते थे कि कर्ण उनके लिए चुनौती बने। और गुरुदेव ने उन्हीं का समर्थन किया पिताश्री, और कहा कि कर्ण उनका शिष्य नहीं बन सकता। पांडवों के क्या विचार है? भीम ने कर्ण को सारथी पुत्र कहकर उसका अपमान किया और कहा कि वो गुरुदेव का शिष्य नहीं बन सकता। क्या आचार्य ने भी यही कहा? आचार्य, गुरुदेव नहीं चाहते कि कुंती पुत्र अर्जुन से बड़ा और कोई धनुर्धर हो। इसी कारण उन्होंने राजाज्ञा और राजव्यवस्था की दुहाई दी। अपने प्रिय पुत्र की भाषा सुन रहे हैं स्वामी? ये अपने भाइयों को कुंती पुत्र और पांडु पुत्र कह के संबोधित कर रहा है। मर्यादा का पालन करना सीखो पुत्र। प्रिय पांडु पुत्र तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे अपने हैं। माते, पांडु पुत्र मात्र और मात्र मेरे विरोधी हैं, मेरे भाई नहीं। भाई नहीं माते, आप लोग मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं या मेरी दुविधाओं को और भी बढ़ा रहे हैं। मन तो चाह रहा है कि मामा शकुनि को यहां होना चाहिए था, केवल वो मुझे उचित परामर्श दे सकते हैं, आप लोग नहीं। नहीं नहीं पुत्र, ऐसा मत कहो। भ्राता शकुनि को यहां बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं, और कर्ण के लिए गुरु द्रोण को आज्ञा प्रदान करना कौरव पांडव भ्राताओं में विवाद का कारण बन सकता है। स्वामी, आप अपने पुत्र को समझाते क्यों नहीं? ये विवाद हस्तिनापुर की शांति भंग कर सकता है। मुझे विवाद और अशांति की चिंता नहीं है माते, मैं अपने राजकुमार बद के गरिमा के साथ समझौता नहीं कर सकता, मानो नहीं कर सकता। आपको आज्ञा देनी होगी पिताश्री, क्योंकि मैं अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं बनने दूंगा, कदापि नहीं बनने दूंगा। और कर्ण का आश्रम में प्रवेश निषेध, भ्राता दुर्योधन का अपमान है। गुरु द्रोण को कर्ण को शिष्य स्वीकार करना ही होगा। और ये केवल आपकी आज्ञा से हो सकता है पिताश्री, केवल आपकी आज्ञा से। पुत्र, कर्ण हमारे लिए भी अत्यंत प्रिय है, परंतु मैं परंतु नहीं सुनना चाहता पिताश्री, ये मेरे स्वाभिमान का प्रश्न है। हस्तिनापुर नरेश, सम्राट धृतराष्ट्र के ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन के स्वाभिमान का प्रश्न। आपको आज्ञा देनी होगी पिताश्री, आज्ञा देनी होगी आपको। ठीक है पुत्रों, तुम्हारे स्वाभिमान की रक्षा होगी, कर्ण के साथ अन्याय नहीं होगा। हम गुरुद्रोण को राजाज्ञा देंगे कि वो कर्ण को अपना शिष्य बनाए। पुत्र। माताश्री प्रणाम। क्या बात है पुत्र, चिंतित दिखाई दे रहे हो? माताश्री, गुरुदेव ने अधिरुद्ध पुत्र कर्ण को शिष्यता ना देकर अच्छी नीति नहीं अपनाई। शिष्य ना बनाने का कारण संभवतः उनका अर्जुन के प्रति अतिरिक्त मोह भी तो हो सकता है। नहीं माते, आचार्य ने कर्ण को सूत पुत्र कहकर शिक्षा देने से मना किया। कैसी विडंबना है कि सूत पुत्र होने से व्यक्ति शिक्षा का अधिकारी नहीं रह जाता। किंतु सूत पुत्र होने से उसकी शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता पर क्या अंतर पड़ता है? यही तो मैं भी नहीं जान पाया हूं माताश्री। शिक्षा की अपार लालसा लिए हुए आए कर्ण को दुखी होकर लौटता हुआ देख मुझे अच्छा नहीं लगा।
सारथी पुत्र है ना, इसलिए ऐसी परिस्थितियां कर्ण के जीवन में आती रही है। किंतु कर्ण अपने पौरुष से इन सब का समाधान करेगा। माताश्री, कर्ण के मुखमंडल पर छाई आभा और तेज को देखकर क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि उसने एक सारथी के यहां कैसे जन्म ले लिया? पुत्र, विधाता की संरचना में ऐसे आश्चर्य घटित होते रहते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये उन्हीं में से एक है। और जहां तक सारथी पुत्र होने की बात है, तो शिक्षा, ज्ञान और तेज किसी जाति विशेष की निधि नहीं होती। सूर्य के ऊपर मेघ की चाहे कितनी भी परतें एकत्रित क्यों ना हो जाए, वे सूर्य के तेज को ढक नहीं सकती। कर्ण एक तेजस्वी योद्धा है और उसकी वीरता की गाथा केवल हस्तिनापुर में ही नहीं, समस्त आर्यव्रत में प्रशंसित होंगी। स्वामी, अब तो राजाज्ञा प्राप्त हो गई है, क्या आप अभी अधीरथ पुत्र कर्ण को अपना शिष्य स्वीकार नहीं करेंगे? क्यों नहीं देवी, राजाज्ञा के पश्चात मैं अवश्य उसे अपना शिष्य बनाऊंगा। किंतु 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 क्या स्वामी? सारथी पुत्र कर्ण मुझसे शिक्षा लेने नहीं आएगा। परंतु क्यों स्वामी? देवी, मुझे कर्ण में एक अनुपम तेज और स्वाभिमान दिखाई दिया है। मेरे द्वारा सारथी पुत्र कहकर शिष्य न बनाने के वचन से उसका स्वाभिमान आहत हुआ है। एक बार उपेक्षित कर दिए जाने के बाद, राजाज्ञा प्राप्त करने के पश्चात भी वो मेरे पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए नहीं आएगा। इसका तात्पर्य यह है कि आपने सोच समझ कर कर्ण को तिरस्कृत किया है। क्या करूं देवी, मैंने अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुधर बनाने का वचन दिया है और उसके लिए मुझे जो कुछ भी करना होगा वो मैं अवश्य करूंगा। ये तो अन्याय है स्वामी, आप मात्र अर्जुन के उत्कर्ष के लिए कर्ण का बलिदान कर देंगे? नहीं देवी, ये अन्याय नहीं है, ये समाज और परंपरा के प्रति मेरा दृष्टिकोण है। देवी, कर्ण के प्रति मेरा यह व्यवहार मात्र अर्जुन नहीं है, समस्त श्रेष्ठ जाति के पक्ष में है। और एक सारथी का पुत्र इसे किसी प्रकार की चुनौती न दे सके, यह मेरा उद्देश्य है। देवी, कर्ण की प्रतिभा को देखकर मैं भयभीत हो गया था। एक युवक जो बिना गुरु के इतनी उत्तम धनुर्विद्या जानता है, यदि उसे गुरु से शिक्षा प्राप्त हो जाए तो वह निश्चित रूप से अतुलनीय धनुर्धर बन सकता है। देवी, यदि कर्ण श्रेष्ठ धनुर्धर बन गया तो अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने की मेरी इच्छा धराशायी होकर रह जाएगी। परंतु स्वामी, शिक्षा तो भेदभाव की परिधि से ऊपर होती है। आप सत्य कह रही हैं देवी, ये पक्षपात भेदभाव उचित नहीं है, किंतु अनुचित मानते हुए भी आप अपने शिष्यों में भेदभाव क्यों कर रहे हैं स्वामी? देवी, मैं तो केवल राजकुल की परंपरा निभा रहा हूं। मित्र कर्ण, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। क्या बात है युवराज, आज आप बड़े प्रसन्न लग रहे हैं। हाँ मित्र, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं।
अति प्रसन्न। आज तुम्हारे मन की इच्छा पूर्ण हुई कर। पिताश्री ने गुरुदेव को तुम्हें अपना शिष्य बनाने का आदेश दे दिया है, इसी कारण मैं इतना प्रसन्न हूं। मैं बहुत प्रसन्न हूं मित्र। राजाज्ञा प्राप्त हो जाने से मेरे मार्ग की बाधा समाप्त नहीं हो सकती युवराज। मित्र कारण, युवराज आपके सहानुभूति के लिए मैं सचमुच कृतज्ञ हूं, किंतु मैं प्रण ले चुका हूं, मैं गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में कदापि नहीं जाऊंगा, कदापि नहीं। नहीं मित्र, नहीं। तुम्हारे इस निर्णय से मेरा अपमान होगा, मेरा, तुम्हारे मित्र दुर्योधन का अपमान, सम्राट की आज्ञा का अपमान। और इतना ही नहीं मित्र, तुम्हारे इस निर्णय से पांडवों का मनोबल बढ़ जाएगा और वे न जाने कितने ही वीरों का तिरस्कार करते रहेंगे। नहीं युवराज, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं हस्तिनापुर में ही रहूंगा और उन्हें दिखा दूंगा कि क्या होती है वीरता, और इसके लिए मुझे गुरु द्रोणाचार्य की शिष्यता ग्रहण करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। आप निश्चिंत रहें युवराज, और मेरी एक बात का स्मरण रखें, बलपूर्वक प्राप्त की यही शिक्षा किसी के काम नहीं आती, इसीलिए आप गुरु द्रोण पर कोई दबाव न बनवाएं। और वैसे भी हस्तिनापुर की और कृपा लेकर मैं अपने बापू का और अपमान नहीं करा सकता। क्षमा कीजिएगा। ठीक है मित्र, मैं तुम्हारी भावना का सम्मान करता हूं। मेरे साथ राजभवन चलोगे मित्र? कोई विशेष प्रयोजन? हाँ मित्र, कल प्रातः मामा शकुनी गांधार से हस्तिनापुर सदा सदा के लिए पधार रहे हैं। मामा शकुनी, सावधान, गंधार नरेश, महाराज शकुनी दरबार में पधार रहे हैं। कहता है इतिहास दूजा कर्ण नहीं मेरे पास, कहता है इतिहास दूजा कर्ण नहीं मेरे पास। महामना महाबली धनुर्प्रवीण जगत जयी, धर्मव्रति कर्मपति रश्मिरथि महारथि, ओ महारथि कर्ण। एक बाहु स्वावलंब दूजा स्वाभिमान है, दिव्य तेजवंत है परम शक्तिमान है। महारथि कर्ण तो महानों से महान।